आईफोन 12 वर्सेस आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 14, ये क्वेश्चन अभी भी काफी सारे लोगों के मन में बना हुआ है। कंफ्यूजन है कौन सा फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा एंड इन तीनों ही फोन्स में आपको एक्चुअल में कितने डिफरेंसेस मिलते हैं। अगर हम बात करें बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस, कैमरा या फिर अगर हम बात करते हैं फ्यूचर टर्म्स में कौन सा फोन ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है, सो इन सब चीजों की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड गाइस, हाँ, जिस सेल का आप लोग सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो, विच इज बिग बिलियन डे सेल, उसके टर्म्स में आपको बताऊंगा कौन सा फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। सो अगर आप लोग सेविंग वगैरह कर रहे हो, चीजें उसी हिसाब से डिसाइड करें। सो ही गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं तीनों फोन्स के डिजाइन की। आईफोन 13 एंड आईफोन 14 एग्जैक्टली सेम है, यहाँ मिलता है डायगोनल कैमरा सेटअप, वहीं आईफोन 12 में वर्टिकल कैमरा सेटअप। आईफोन 13 के कैमरा लेंसेज का साइज आईफोन 12 से स्लाइटली बिगर है, एंड वहीं आईफोन 14 का आईफोन 13 से। इन तीनों फोन्स में से सबसे ज्यादा लाइट वेट फोन है आईफोन 12, एंड आईफोन 13 एंड आईफोन 14 का वेट लगभग बराबर ही है, 2 ग्राम का डिफरेंस है। इसी के साथ आईफोन 12 की थिकनेस भी इन दोनों फोन से कम है। अब ऑल दो डिफरेंसेस कोई मेजर नहीं है, बट आपको नोटिस हो जाएंगे। सो आईफोन 12 के लाइट वेट एंड पतला होने का कारण है इसके स्मॉलर बैटरी कैपेसिटी। एंड बैटरी लाइफ की बात कर ही लेते हैं, सो आईफोन 12 में मिल जाती है 2815 mAh की बैटरी, आईफोन 13 में 3240 mAh, एंड वही आईफोन 14 में अराउंड 3279 mAh। सो अनडाउटेडली आईफोन 13 एंड 14 की बैटरी लाइफ आईफोन 12 से बेटर है, एंड टोटल स्क्रीन ऑन टाइम आपको लगभग 1 घंटे का फर्क मिल जाएगा। सो सपोज पूरा एक दिन फोन को यूज करने के बाद आईफोन 12 चलता है 5.5 घंटे, सो वहीं आईफोन 13 चल जाएगा 6.5 घंटे। पर सबसे बड़ा सवाल आता है आईफोन 14 की बैटरी लाइफ आईफोन 13 से कितनी बेटर है। सो यहाँ पे डिफरेंस लगभग नेग्लिजिबल ही है, 15 से लेकर 20 मिनट के एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ आईफोन 14 से एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। वही अगर हम बात करें डिस्प्ले की, सो ऑल दो डिस्प्ले का साइज, पिक्सल डेंसिटी एंड डिस्प्ले के प्रोटेक्शन विच इज सेरेमिक शील्ड, ये चीजें सेम है, बट काफी सारे डिफरेंसेस भी हैं। आईफोन 13 एंड 14 के डिस्प्लेज आर एक्जैक्टली सेम, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, आईफोन 12 के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको मिलता है स्मॉलर नॉच, 800 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस एज कम्पेयर टू 625 निट्स। बाकी तीनों फोन में आपको HDR10 एंड डॉल्बी विजन के कंटेंट में 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, विच इज एग्जैक्टली सेम। अब एस iOS 17 रिलीज हो चुका है, एंड आईफोन 12 को 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल चुकी हैं, सो एज पर पास्ट रिकॉर्ड्स इसको 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और मिलेंगी। बट वहीं आईफोन 13 एंड 14 को 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगी, चिपसेट एंड परफॉर्मेंस में भी आपको डिफरेंस मिल जाता है। आईफोन 12 कम्स विद A14 बायोनिक चिप अलोंग विद 4GB रैम, वहीं आईफोन 13 में मिलती है A15 बायोनिक चिप, बट रैम की लिमिटेशन यहाँ भी आ जाती है विच इज 4GB। आईफोन 14 में भी A15 बायोनिक चिप है, बट यहाँ पे एक GPU का एक्स्ट्रा कोर है एंड इसी के साथ 6GB रैम। सो ऑल्दो आईफोन 13 एंड आईफोन 14 में आपको सेम परफॉर्मेंस मिलती है, बट अगर आप हार्डकोर यूजर हो, काफी सारी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन करते हो, उस केस में 6GB रैम होने की वजह से आईफोन 14 काफी बेटर परफॉर्म करता है। अगर हम बात करते हैं करंटली इन तीनों फोन्स की गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे चीजें काइंड ऑफ सिमिलर ही हैं, बट हाँ, फ्यूचर में डेफिनेटली आईफोन 14 ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा ड्यू टू 5-कोर GPU। एंड GPU परफॉर्मेंस के मामले में आईफोन 12 से लेकर आईफोन 13 में जितना डिफरेंस है, उससे कहीं ज्यादा डिफरेंस आईफोन 13 से आईफोन 14 में। बट हाँ, नॉर्मल डे टू डे टास्क में तीनों फोन्स काफी अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, इवन आईफोन 12 भी अभी से लेकर 2-3 साल तक काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, विच इज कैमरास। अब कैसे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा इन तीनों फोन्स के कैमरास के बारे में। सो कैमरा में जितना डिफरेंस आपको आईफोन 12 से आईफोन 13 में मिलता है, उतना डिफरेंस आईफोन 13 से 14 में नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की, जस्ट लाइक फोटोज में कलर्स, डायनामिक रेंज इन स्पेशली लो लाइट में, कम नॉइज। बट हाँ, आईफोन 13 के कंपैरिजन में आईफोन 14 में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, लाइक सिनेमेटिक वीडियो में 4K 30 का सपोर्ट, वहीं आईफोन 13 में लिमिटेड है 1080p पे, इसी के साथ एक्शन मोड एंड सेल्फी कैमरा में ऑटो फोकस। अब मैंने प्रैक्टिकली इन दोनों फोन्स के कैमरास को काफी बार टेस्ट करा है, सो आईफोन 14 में आपको जो कैमरा के एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, डिफरेंस उनकी वजह से ही दिखेगा, बट एक्चुअल इमेज क्वालिटी या फिर लो लाइट परफॉर्मेंस में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। एंड अगर उन एक्स्ट्रा फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आईफोन 13 का कैमरा भी आपको फुली सेटिस्फाई कर देगा। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, विच इज प्राइसिंग एंड सेल में जो तीनों फोन्स की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग रहने वाली है। आईफोन 12 के बेस वेरिएंट की प्राइसिंग होगी अराउंड 34,000 से लेकर 35,000 रुपीज, वही 128GB वेरिएंट की अराउंड 40,000 रुपीज, आईफोन 13 की 43,000 से लेकर 44,000 रुपीज, एंड आईफोन 14 की वही अराउंड 48,000 से लेकर 50,000 रुपीज। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस का डिफरेंस है कम हो जाता है, एंड इसी के साथ एक्चुअल प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। 50,000 रुपए के आसपास बजट है तो आईफोन 14 के लिए ही जाना। एंड हाँ, अगर स्टोरेज मेन रिक्वायरमेंट है, सो आईफोन 13 का 256GB वेरिएंट परचेज कर लेना 53,000-54,000 रुपीज में, आईफोन 12 को तभी परचेज करना अगर आपका बजट एकदम ही कम है एंड 64GB में काम चला सकते हो। बट अगर आप जाते हो आईफोन 12 के 128GB वेरिएंट के साथ, आई डोंट रेकमेंड, उस केस में 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करके आईफोन 13 के लिए ही जाना। एंड गाइस, आपको मैंने चीज पहले भी बताई है, जो प्राइसिंग आने वाली है इतनी कम प्राइसिंग 1 साल तक नहीं आएगी, सो ऐसी सिचुएशन में ट्राई करें अगर आप अपने बजट को सेफली पुश करके एक लेटेस्ट आईफोन ले सकते हो, सो वो बेटर चीज है।
सो गाइस आई होप अब आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।